my goodness, the Kerala story is unstoppable even on its day number 28. जी हाँ, सही सुना है आपने, और रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आपसे कलेक्शन शेयर करने में काफ़ी देर हो जाती है रात को, और सोचा भी था मैंने कि शायद काफ़ी सुबह से कुछ ना कुछ प्री ऑक्यूपेशन, कभी कुछ तो एग्जॉशन हो रही थी. सोच रही थी मैं कि अभी का रहने देती हूँ, लेकिन फिर नींद ही नहीं आती रात को. ये लगता कि मैंने रात की कलेक्शंस आप लोगों से शेयर नहीं करी, तो कुछ ना कुछ गिल्ट रहता, जिसके चलते मैंने कहा नहीं, चाहे जैसा भी है, चाहे कितनी भी थकान है, एग्जॉशन है, कीप इट असाइड, लेट्स टॉक अबाउट द कलेक्शंस, ठीक है, ऑफ द केरला स्टोरी. भाई रिदम टूटनी नहीं चाहिए जो इतने टाइम से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सुबह शाम, वो रिदम कैसे टूटने देती है, ठीक है. तो बात करते हैं आज डे नंबर 28 की. देखो डे नंबर 28 में मैंने आपसे कहा था सुबह कि जिस तरह का बुक माई शो चल रहा है वो देख कर मुझे अपने आप में बहुत हैरानी होती है कि यार ये आज मॉर्निंग शोज, इतने सारे मॉर्निंग शोज हैं, वो हाउसफुल कैसे जा रहे हैं. और यकीन मानो नाइट शोज भी इतने सारे हाउसफुल गए हैं कि मुझे लिस्ट बनाने में ना मैंने गोली की स्पीड से लिखा है, क्योंकि ये लग रहा था कि भाई बहुत लेट ना हो जाए. लिखती जा रही हूँ मैं तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, लेकिन मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहती थी. दिस इज इनक्रेडिबल टू सी दैट बुक माई शो राइट नाउ इज ऑल्सो शोइंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग रिस्पॉन्स. तो क्या नंबर आ रहा है आज डे नंबर 28 का. मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सुबह का प्रिडिक्शन आया है उससे ज़्यादा का नंबर आएगा, और वो आ चुका है, ठीक है. कितना आया वो मैं आपको बताती हूँ. पहले ऑक्यूपेंसीज की बात करेंगे. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7%, आफ्टरनून 11% गई, इवनिंग अगेन 11%, और नाइट ऑक्यूपेंसी मेरा प्रिडिक्शन है ये देखते हुए कम से कम 12% पर इसकी नाइट ऑक्यूपेंसी ज़रूर जानी चाहिए, ठीक है. शहरों की बात करेंगे तो मुंबई में 10%, 305 शोज़ मैंने आपको बताया था. शो काउंट्स जो हैं वो पहले से बहुत कम हो चुके हैं. जी हाँ, शो काउंट्स 4000 तक पहुँचे हुए हैं अभी सिर्फ, विच इज़ दैट्स ओके. आई थिंक बहुत अच्छी कलेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है. मुंबई 10%, 305 शोज़, दिल्ली NCR 10%, 399 शोज़ एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज़ इन एनी सिटी. पुणे 12%, 135 शोज, बैंगलोर 6%, 142 शोज, हैदराबाद 11%, 47 शोज, अहमदाबाद 11%, 183 शोज, सूरत 9%, 92 शोज, जयपुर 15%, 59 शोज. आई थिंक जयपुर इज शोइंग द हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी. चंडीगढ़ 7%, 35 शोज, भोपाल 4%, 44 शोज, लखनऊ 9%, 81 शोज, कानपुर 12%, 46 शोज, नागपुर 7% एंड 66 शोज. जी हाँ, तो ये जो है चलता रहा सारे पूरे दिन आज, और इसी के साथ जो फाइनल कलेक्शन है वो कितनी आती हुई दिख रही है, वो आ रही है कम से कम 1.25 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन ऑन डे नंबर 28 ऑफ द केरला स्टोरी. सिर्फ आज की कलेक्शन ये है, और इसको एड अप करके जो टोटल नंबर है वो पहुंच जाता है 231.6 करोड़. जी हाँ, अच्छा नंबर है, और जैसे मैंने कहा था बहुत बड़ी उम्मीद हम नहीं लगाएंगे. और अगर धीरे धीरे टुक टुक करके भी अगर मैच जीता जा सकता है, ऑलरेडी जीत तो हो चुकी है, ठीक है, उस पर भी अगर हम और डिस्टिंक्शन के साथ जीतने वाले हैं, सो दैट इज़ मोर देन वेलकम, ठीक है. तो इसी के साथ जो रियल टाइम है करीब 10:15 तक का, आज रात का जो रियल टाइम आ रहा है, रियल टाइम हमेशा किसमें होता है, ग्रॉस में होता है, ठीक है. सो रियल टाइम इज कमिंग इन एज 1,35,66,651. The footfall is 80,202 and the show counts is 3,935. और इसी के साथ जो ऑक्यूपेंसी आ रही है दैट इज 10%. तो ये जो है इस तरीके का रिस्पॉन्स आज के दिन आया है. तो फुटफॉल जो है वो कम है, शो काउंट्स भी अब कम होते जा रहे हैं, धीरे 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 अपने फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है मैच. सो आई वुड से दिस इज मोर देन सैटिस्फैक्ट्री. अब चलते हैं अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है बुक माई शो. भाई This is something incredible. और मुझे लगता है ये मॉर्निंग और नाइट शोज का ही कमाल है ये कलेक्शन जो आ रही है. अगर 1,25,00,000 भी आती है तो कोई कम कलेक्शन नहीं होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, ठीक है. और वो भी तब जब एक फिल्म लगातार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है. तो आज थर्सडे भी खत्म हो चुका है, कल आने वाला है फ्राइडे. फ्राइडे को रिस्पॉन्स अच्छा आता है, फ्राइडे को पब्लिक जो है वो फिर से वीकेंड वाले मोड में आ जाती है, फ्राइडे इवनिंग एंड नाइट से. तो कल कहानी बदलने वाली है, ठीक है. आज रात तक की और ये बात है, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत अच्छा है. मैं मुंबई की बात करूंगी आपसे. मुंबई में मूवी टाइम, क्यूबिक मॉल, चेंबूर, और ये माइंड यू ये लिस्ट मैंने 10:15 के करीब बनाई है, अभी शाम को, रात को 10:15 पर बनाई है. और उस टाइम तक सारे पहले के शोज जितने भी हैं वो हाउसफुल जा चुके हैं, वो उनकी लिस्ट नहीं आती है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर 10:30, 10:15, 10:50 टाइप शोज, ठीक है. सो मूवी टाइम क्यूबिक मॉल चेंबूर में 10:30 का शो इज़ अ हाउसफुल. आइनॉक्स वाशी 10:15 शो इज़ अ हाउसफुल. आइनॉक्स कांदीवली 10:15 शो इज़ अ हाउसफुल. आइनॉक्स वर्ली 10:50 शो इज़ अ फिलिंग फास्ट. आइनॉक्स
Nariman Point, 10:15 show is Houseful. PVR Goregaon, 10:15 show is Houseful. Inox Thane, 10:15 show is Houseful. Rajhans Ghat Koper, 10:15 show is Houseful. Gold Cinema Borivali mein 9:45 ka show is Houseful. Mukta A2 mein 10 baje ka show is Houseful. And Anand Cinema mein 10:15 sawa 10 baje ka show was Houseful. Dekh sakte kitne sare Housefuls gaye hain aur ye सबसे अच्छा रिस्पांस अभी मुंबई और दिल्ली से ही आ रहा है, बाकी छोटे शहरों से, टू टियर सिटीज से अभी रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है. अब आप देखना कल से कहानी जो है बदल जाएगी. ठीक है, तो इसी के साथ बात करते हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर की. यहाँ पर सिनेपोलिस स्पाइस मॉल में 10:10 का शो जो है वो हाउसफुल गया है. सिनेपोलिस पैसिफिक में कहानी सेम है, 10:10. सिनेपोलिस गुड़गांव में 10:20. सिनेपोलिस जनक सिनेमा दिल्ली में 10:20 अगेन. और बात करें अगर बाकी जगहों की, दिल्ली में पीवीआर एनसीआर में पीवीआर अंसल प्लाजा ग्रेटर नोएडा में 10:15 का शो वाज अ हाउसफुल. आइनॉक्स पटेल नगर दिल्ली, बहुत अच्छा लोकेशन है प्राइम, यहां पर 10:20 का शो वाज अ हाउसफुल. पीवीआर फरीदाबाद में 10:10 का शो वाज अ हाउसफुल. आइनॉक्स गुड़गांव में 10:15 का शो वाज अ हाउसफुल. ठीक है, ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, वो भी थर्सडे को, फोर्थ थर्सडे को, और वो भी नाइट टाइम में. ठीक है, तो अपने आप में क्या आपको हैरानी नहीं होती है, जनता जनार्दन ने कितना सारा प्यार दिया यार इस फिल्म को और अभी भी दे रही है. और मुझे लगता है फिर से अभी आने दो वीकेंड, फिर से एक अच्छा जंप आएगा. ड्रॉप जो है वो काफ़ी आ चुका है, 64% की हमने सुबह बात की थी, ये काफ़ी अच्छा खासा झटका होता है 64% का ड्रॉप. बट बावजूद इसके जो कलेक्शंस ऑलरेडी फिल्म कर चुकी है, समेट चुकी है, लपेट चुकी है, वो बहुत 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 फिल्मों से बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं. सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर टुमारो. नाउ टुमारो इज़ अ वेरी गुड डे एंड लेट्स होप कि कल के दिन जो है ये सारे नुकसान नहीं बोलूंगी, लेकिन जो भी स्लो पेस चल रहा था उसकी भरपाई जो है वो ठीक से हो पाए. सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर टुमारो. तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड.